जो प्रजा पे दुख तोले चुगल घोर बेईमान मरे जो अमिरथ में विसबो और भई मानो मरे जो और साधु वो मरी जाए अरे नारी शरी ध्यान लगावे ए साधु वो मरी जाए अरे नारी शरी ध्यान लगावे पंच तो वो मरी जाए जो दारू पी की न्याओ करावे ऐसा साधु मर जाए कपड़े तो रंग लिए लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं है ऐसा पंच मर जाए जो दारू पीकर के न्याय करता हो अरे गुरु तो वो मर जाए अरे चेला से ज्ञान छुपावे ए गुरु तो वो मर जाए अरे चेला से ज्ञान छुपावे चेला वो मर जाए गुरु की सीख चिंता नहीं वो मरी जाए पराई नारी से अलगा ऐसी स्त्री मर जाए जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे के तरफ देखती हो ऐसा भाई मर जाए जो अपनी बहन को अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से देखता और अरे मैया वो मरी जाए जो बिटिया गली गली घुमावे अरे मैया वो मरी जाए जो बिटिया गली गली घुमावे बिटिया वो मर जाए जो अपने कुल में दाग लगावे इसलिए मेरी समय पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी ब्यूटीफुल पद चलन नारी से कारी पद चलन नारी से कारी कारी अच्छी अरे आज महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े कहा बाबा जी तुम हमेशा जंगल में भजन करते रहे हो कभी राज्य पाठ नहीं किया है इसलिए आप मेरी प्रजा को कभी दुख मत देना इतनी बात कही और महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी
और अपने पुत्र को लेकर के विछने के लिए काशी नगरिया में चले। प्रजा को रोता हुआ छोड़ दिया और महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के साथ में चले। चलते चलते दो दिन, तीसरी रात हो गई। उसी समय रानी तारा के पैरों में छाले पड़ गए। कहने लगी, पिया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दर्द के कारण उसे चला नहीं जा रहा है, इसलिए पिया थोड़ी देर विश्राम कर लो। और रोकर के बोली है, पैर पड़ी है।